बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है ठीक है ना यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है देखिए जब भी आप फोन को आप चार्जिंग पे लगाते हैं ना तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है और फोन को जब भी आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपके फोन का इंटरनेट बंद होना चाहिए ब्लूटूथ आइकन ये सभी आइकन आपके बंद होने चाहिए और आपकी फोन की जो ब्राइटनेस है इसे आप इसे भी आपको कम रखना है जितनी जरूरत है ब्राइटनेस को उतना ही रखना है ठीक है ना अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना देखिए यहां पर जो है ना एक बात का खास ध्यान रखना है जब भी आप अपने फोन को ज्यादा देर तक यूज करते हैं ना मान लीजिए आपने अपने फोन को दो तीन घंटे या उससे ज्यादा देर तक यूज करा है कंटिन्यू ठीक है और उसके तुरंत बाद अगर आप फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो इससे आपका फोन ओवर हीट होने लगेगा ऐसा नहीं करना है आपको मोबाइल फोन को थोड़ा पंद्रह बीस मिनट का रेस्ट देना है उसके बाद चार्जिंग पर लगाना है। इससे फोन ओवरहीट नहीं होगा ठीक है अब देखिए अगला काम करना क्या आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है देखिए दोस्तों मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना तब आपको फोन को रीसेट करना है अदरवाइज नहीं करना है फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है इसे टैप करना है अब आपको इस पेज में नीचे की साइड इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है आपका पेज आता है इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन टैप करना है इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ये ध्यान है आपके फोन में इतना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए दूसरी बात ये ध्यान रखने है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद फोन को रिसेट करना है ठीक है तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आपको यूज करना है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है